लोगों को इस भवन के लोकार्पण के अवसर पर बहुत 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 बधाई देता हूं। इतना शानदार भवन बनकर के तैयार हुआ, ये मिश्री जी ठीक कह रहे हैं, इसके अंदर काम करवाने में जो ठेकेदार है, एएन है, वीडियो है, उनका यहाँ सम्मान भी किया गया। ये सम्मान लायक है, इस भवन को देखते हुए ये वास्तव में सम्मान के लायक है और सम्मान करना ही सही था, क्योंकि सरकार का पैसा लग जाता है विकास के कामों पर और काम खराब कर देते हैं। वो सरकार का पैसा भी गया और वो जनता के भी काम का नहीं रहता है। सड़कें बनती है, थोड़े दिनों के बाद में टूट जाती है, भवन बनते हैं, थोड़े दिनों के बाद में जर्जर हो जाते हैं। अगर सही ढंग से पूरा पैसा लगाए इसमें, जानबूझकर गड़बड़ नहीं करे, तो चाहे सड़क का काम हो, चाहे ये हो, चाहे किसी भी प्रकार का विकास का काम, वो सही ही होता है। इस मौके पर आप लोगों ने मुझे भी मान सम्मान दिया, स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सभी ग्रामीण जना का, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर आपके क्षेत्र के पीने के पानी की समस्या के बारे में भी जिक्र किया, इस लूनी नदी में प्रदूषण जो फैल रहा है उसके बारे में भी जिक्र किया है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी समस्या है। जहाँ तक पीने के पानी का सवाल है, अभी मंत्री जी सुखराम जी ने कहा, ये सबको पता है, आपके एमएलए साहब अमित सिंह जी को भी पता है, ये तय हो चुका है कि दिसंबर 2024 तक एक भी ढाणी पीने के पानी से वंचित नहीं रहेगी। हर घर नल लगेगा, हर घर घर नल लगेगा। थोड़ा टाइम तो लगेगा, अभी भी टाइम पड़ा है, पर इसके लिए प्रयास शुरू हो गए। आप कह रहे थे पानी पहले यहां ज्यादा आता था, 24-25 एमएलडी और 12-13 एमएलडी आ रहा है, तो अब ये कहां पर किस प्रकार कैसे कहां गड़बड़ेगा उसको हम देखे थे। अमीर सिंह जी, ये भी आपके यहाँ जनप्रतिनिधि है, हम भी जनप्रतिनिधि है, हमारी सरकार है, इसलिए हमारा इनका सबका ये दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि आपके जो भी समस्या है, ये जैसे पीने के पानी की बताई, चाहे प्रदूषण की है, चाहे और भी कोई सड़कों से है, स्कूलों से संबंधित है, कृषि के साथ स्वास्थ्य से संबंधित है, बिजली से, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए आप लोग हमारे कुछ होते और हमारा फर्ज बनता है। जो कुछ भी करते हैं वो कोई आप लोगों पे आसान नहीं करते, ये हमारे दायित्व का निर्वहन करते हैं। अगर हम हमारे दायित्व का ठीक से निर्वहन नहीं करते हैं तो उसमें हमारा पक्ष कमजोर है, हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। भी सुखराम जी भी कह रहे हैं, अमीर सिंह जी कह रहे थे, अमीर सिंह जी तो सरकार के बारे में कहने में बोलने में इनको तो कोई हिचकिचाहट नहीं, क्योंकि ये सत्ता में नहीं है। सत्ता में रहने वाले आदमी को बोलने में जोर आता है, सत्ता वाले सत्ता के कोई कमी खामी निकालते हैं ना, वो बड़ा, हाँ सत्ता थी तब वो तो, सत्ता में सबका ही काम एक ही होता है, इनका दोष नहीं है, इनका हमारा सबका काम एक ही है, जय बोलना, जयकारे के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। पर जयकारा भी बोलना चाहिए, ठीक बात, अच्छी बात है, पर उसके साथ साथ जनता की बात है उसको भी मजबूती से, निर्दलता से रखना चाहिए। डरते हैं क्या बताएं, जे सुख चाहो जीव रहो तो बंधु बन के रहे, अपना खुद का सुख चाहो तो बंधु बन के बैठे रहो और जय बोल के रहो, और जनता के आपके कामकाज की चिंता है तो आपको लड़ना पड़ेगा। आप जो चाहते भी हो, आगे वाला नाराज रहे चाहे राजी रहे, मैं तो इस चीज की परवाह नहीं करता हूं, आप सबको पता है, साक्षी हो, मैं तो ये मान के चलता हूं। नाराज होंगे क्या पहले, जनता नाराज नहीं होनी चाहिए, हमारी जनता जिसने हमारे को चुन करके भेजा है वो राजी रहेगी, सब ठीक हो जाएगा, और वो जिसने नाराज होगी ऊपर वाले कितने ही हमारे ऊपर खुश होंगे, कुछ नहीं, टिकट दे देंगे, क्या हुआ टिकट, कांग्रेस प्रताप सिंह जी मिलाए थे, हम अब नहीं हुए तो टिकट मैं भी आ रहा हूं, ऐसी बात नहीं, तो जनता डटा खिलाने में देर नहीं लगती, इसलिए सबसे ज्यादा मेरे को तो डर लगता है वो जनता का, और जनता की सुनवाई करनी चाहिए, जनता के साथ खड़ा रहना चाहिए, पंचायत गड़बड़ करी थी। तो इस तरह कहने का मतलब ये है, इसमें कोई पार्टी बाजी की बात नहीं, इसमें कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं,
इसमें सत्ता पक्ष या विपक्ष की बात नहीं, जनता के काम के लिए सबको मिलकर के लड़ाई लड़नी चाहिए, तभी विकास होगा। ये आप कौन सिंह जी अकेले बैठे, ये अकेले थे, बीजेपी के थे, मैं राजस्व मंत्री था, थे नहीं थे आपके यहाँ, ये पहले तहसील की फिर तहसील कर दी, आपके प्रमुख साहब बालाराम जी ये भी मेरे पीछे लगे रहते थे। तो इस तरह से अगर मैं ये सोचता कि यहाँ का एमएलए बीजेपी का है, मैं क्यों समझड़ी को तहसील बनाऊ, उप तहसील बनाऊ, तहसील बनाऊ, सिंधड़ी को क्यों तहसील बढ़ाऊ, ये कह रहे थे सिंधड़ी नाम ले लिया समझड़ी को, तो सिंधड़ी समझड़ी है तो दोनों ही सेवा नाम है। तो मेरे कहना मतलब ऐसे कामों में राजनीति नहीं करनी चाहिए, जनता के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये मेरा अपना सोचना है। हो सकता है मैं गलत हूं, पंचायत का मुकुंद का मामला हुआ अभी मेरे विधानसभा क्षेत्र है, मैंने एक पंचायत है, कई पंचायत में 44 पंचायत बनाई नई इस बार का टाइम, एक जगह एक पोलिंग बूथ में मेरे को 39 वोट मिले और मेरे सामने चुनाव लड़ने वाले को 568 वोट मिले एक बूथ में, और वहां के लोगों ने कहा था हमारे इसको पंचायत बनवा देंगे। जनसंख्या उनकी 2000 भी नहीं थी, 2000 से भी कम, पहले 4000 का था, फिर पायलट साहब से कह के 2500 करवाया, फिर 2500 भी नहीं, उसकी 2 से भी कम, तो भी मैंने कहा ठीक है, इन्होंने कह दिया बनाएंगे, और ठीक भी थी, कोई ऐसी बात नहीं थी, होने लायक भी थी। तो 2000 से कम जनसंख्या होते भी उसको मैंने पंचायत बनाया। अगर मैं ये सोच लेता तो यह वोट तो मेरे को 39 मिले और सामने वाले को 568 मिले तो मैं वो पंचायत बनाता क्या नहीं बनाता। और ये राजनीति में होता है, अब तो राजनीति बहुत खराब हो गई, मैं मेरे को इस राजनीति से बाहर हो गया, जो वोट नहीं देता है उसका वोट काट नहीं लगा, अपनी ताकत किसमें लगा देते, आप उसमें अपनी ताकत, आप अपनी ताकत जनता के काम करने लगाओ, उसका भी करो, दिया उसका भी करो, दिया उसका पहले करो, बाद में तो थोड़ा बहुत उसको करो, कोई भी फंक्शन हो अपने बुलाए हुए मेहमान है उनको पहले जिमाते हैं अपन रिश्तेदार है दूसरा, पर कोई बिना बुलाए आते हैं जिमा तो उसको तो नहीं जिमा तो बुरा लगेगा, मिला करके जिमाते हैं नहीं जिमाते, तो कम से कम ये ध्यान तो रखना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ठीक है, नहीं तो वोट तो क्या है, वोट तो आज नहीं है, अगली बार वो दूसरे दे देंगे, राजीव सब आप कुछ भी करो रख ही नहीं सकते, और इस बार आपको नहीं दिया आप काम करोगे अगली बार दे देंगे, घूमते रहते वोट में, मैं भी शिष्य हूँ, मीर सिंह जी तब आए मेरे तो काफी लंबा अनुभव सब देखा, हार भी देखी जीत भी देखी, सत्ता पक्ष में भी रहा, विपक्ष में भी रहा, नेता प्रतिपक्ष भी रहा, विधानसभा में नेता करता वोट नहीं देते थे, इनके नेता वोट नहीं देती थी, वोट नहीं देती थी, क्या करें, फिर भी अपनी कोशिश करता लगा रहा, फिर बाद में विधानसभा के चुनाव हुए, विधानसभा में मैंने कहा इनके नेता, मैंने कहा मैंने तो आपको मेरी कुर्सी सौंप दी, नेता प्रतिपक्ष बनी मेरी कुर्सी पे आगे बैठ रही, और आपने आप वाली कुर्सी आपने मेरे को नहीं दी, मतलब शपथ दिलाते हैं विधानसभा स्पीकर के पास जाते हैं फिर वापस जाते हैं, तो नेता प्रतिपक्ष के आगे से गुजरते हैं, आगे से गुजरते हैं, फिर मैंने रमा समा भी किया ये बात भी उनकी। तो कहना मतलब ये राजनीति में अहंकार किस बात है, हम लोग सत्ता में आने के बाद में पद प्राप्त होने के बाद मन नशा चढ़ जाता है, नशा जो करता है जिसके जैसा नशा, मैंने भी नशा ही है और क्या, बाकी भी राजनीति क्या वो खाल की घड़ी खोजते पर फिर भी नशा है, जब खोजे नशा तो नहीं छोड़े, तो नशा नहीं होना चाहिए, नशा तो नहीं राजनीति का चुनाव लड़ने का, पर यह नशा नहीं कि मैं बड़ा हो गया, मैं एमएलए बन गया, इतने दिन तो 3 साल का एमएलए मंत्री बन गया, अब पहले से बड़ा हो गया, नहीं पहले से छोटा हुआ बड़ा नहीं हुआ, ज्यादा जिम्मेदारी आ गया पहले से, पहले से बड़ा मालिक विधानसभा क्षेत्र तक की जिम्मेदारी, अब दूसरी जगह की जिम्मेदारी आ गई, राजस्थान की आ गई, पूरे राजस्थान की जिम्मेदारी और ज्यादा उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों की जो भी जिम्मेदारी है आप लोग सभी करते हैं, कई बार ऐसा होता है हमारे दिमाग में आ जाता है नहीं इस धरती पर हम एक जनतंत्र की सेवा कर सकता हूँ, बाकी कोई करने वाला सभी करते हैं, ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, अच्छी सेवा करोगे साहब आपके कामकाज का, ये बैठे हम दो मंत्री, ये कृपा दिया मैं जिले का हूँ,
इसलिए जिले को जिले का थोड़ा बहुत रहता ही ये कई बार ये वैसे ही जिले के लिए बताना जो भी अभी एम एल ए साहब मिलकर के आएंगे तीनों ही मिलकर के करेंगे और भी आपके एरिया के या जाएंगे तो सब मिलकर के यहाँ के विकास में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। ये हमारी सोच होनी चाहिए, ये हमारा विचार होना चाहिए और इस हिसाब से हम कोशिश करेंगे। ये मैं आपको इस मौके पर विश्वास भरोसा दिलाना चाहता हूँ, हम सब एक हैं, अपनी अपनी जगह है लेकिन विकास के फॉर्म में हम सब एक हैं, कोई अलग नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। ये इस मौके आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आप सब लोगों ने कहने की बहुत बातें आप मेरे बहुत हो गए, ये सरकार के तीन वर्ष हुए, तीन वर्ष के उपलक्ष्य में आज इसका लोकार्पण आज ही आनंद उठाने लगा है। तीन साल के काम काज हुए जो भी उनको भी तो थोड़ा जनता को पता है, नहीं तो फिर अमित सिंह जी उनको कितने ही देंगे जनता के सामने रखनी पड़ेगी बताने पर। तो इसलिए आज लोकार्पण हुआ, आज सब लोग बताए हमारी बात सुनी और आप लोगों को एक बार फिर मेरी तरफ से मुख्यमंत्री जी की तरफ से धन्यवाद।